हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है चैनल में। और अगर आप सैमसंग का S20 का फ़ोन चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक न्यूज़ में आया है कि जो सैमसंग का पीछे का जो रियर कैमरा है उसके ऊपर का जो ग्लास है सैमसंग ने, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज़ किया है। और ज़्यादातर लोगों का जो पीछे का कैमरा है, चाहे उन्होंने कवर लगा रखा है, चाहे उन्होंने फ़ोन को कभी उल्टा भी नहीं रखा, हमेशा फेस स्क्रीन की तरफ करके रखा हो, तब भी वो बिना किसी भारी दबाव के, बिना किसी भारी प्रेशर के, वो पीछे का जो शीशा है वो कैमरे के ऊपर वाला, वो टूट जाता है। और टूट भी ऐसे जाता है कि उसमें छेद हो जाता है, जैसे कि किसी ने उसमें गोली चलाई हो, जैसे गोली का निशान होता है ना, छेद हो जाता है शीशे के बीच में, इस तरह का वो निशान बन जाता है उसमें। तो अब उसके ऊपर किसी ने प्रेशर भी नहीं लगाया, ना ही कोई उसको दबाया, कवर भी लगा रखा है, फिर भी ग्लास टूट रहा है। इसका मतलब ग्लास में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने एक फ़ोन ख़रीदा ये वाला, और इसमें इसका इंश्योरेंस करा लिया, तो इंश्योरेंस कराने के बाद सैमसंग को मुझसे पैसे नहीं लेना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी खामी आए। तो जब वो बंदा जिसको प्रॉब्लम आई वो सर्विस सेंटर गया, तो उसे सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि अगर आपने इसका इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको $100 देने होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो $400 देने पड़ेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो जो स्टीव बर्मन है जो केस लड़ रहे हैं इसका, उन्होंने सैमसंग के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि वो इतना महंगा फ़ोन देने के बावजूद भी वो कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, और उस पर धोखाधड़ी का उन्होंने केस किया है। और कुछ जो कंज्यूमर के जो कायदे कानून वाले जो नियम होते हैं वो भी सैमसंग के ऊपर फाइल किए हैं। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो ये थी सैमसंग S20 से रिलेटेड न्यूज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा।